नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। पिछले वीडियो में अपन ने ईदगाह पाठ का अध्ययन किया। उसमें हामिद अपने मित्रों के साथ ईदगाह जाता है। वहाँ मेले में बांति बांति के खिलौने होते हैं। उसके सभी मित्र खिलौने लेते हैं तथा हामिद को चिढ़ाते हैं, हामिद की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हामिद के पास 3 पैसे हैं, फिर भी वो इतना समझदार लड़का है। वो अपने अपने लिए खिलौना लेकर अपनी दादी का ख्याल आता है और वो अपनी बूढ़ी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है, क्योंकि वो जानता है कि जब उसकी दादी खाना बनाती है तो उसकी उंगलियां जलती है, तो वो ये ध्यान में रखते हुए लोहे का चिमटा लेता है। और बाद में सभी वापस घर की तरफ रवाना होते हैं और अपने अपने खिलौनों की सभी प्रशंसा करते हैं। लेकिन हामिद सबको मात दे देता है और अपने चिमटे को ही सब सर्वश्रेष्ठ बताता है। सभी मित्र उसके चिमटे को देखकर उसकी ओर आकर्षित होते हैं। उसके बाद आगे देखिए, 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे हैं और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील कांत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झुलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यह मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूर पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पैरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों पर चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध चाहिए, गुलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे देती है और शल्यक्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है।
एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है, उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो, कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है के पैसे में 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने उसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था और खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इसे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इस कार्य से क्या समझता? ईदगाह कहानी से हमें प्रेम और त्याग की सीख मिलती है। हामिद अपने लिए कुछ नहीं खरीदता है बल्कि अपनी खाला के लिए चिमटा खरीदता है ताकि खाना बनाते समय उसका हाथ न जले। अपने लिए मिठाइयाँ खरीदने के लिए पैसे न खर्च करके वह अपनी दादी को आराम देने के लिए उन पैसों से चिमटा खरीदता है और दादी उस चिमटे को देखकर भावुक हो जाती है और हामिद को गले लगा लेती है। इस निबंध के शब्दार्थ देखिए, बला यानी कष्ट, बदहवास घबराना या होशवास ठीक न होना, निगोड़ी अपनी अभागी या निराश्रय, चितवन किसी की ओर देखने का ढंग, वजू नमाज से पहले यथाविधि हाथ पांव धोना, सिजदा माथा टेकना, हिंडोला झूला या पालना, मशक भेड़ या बकरी की खाल से पानी भरने का पात्र बनाना, अचकन लंबा कलीदार अंगरखा, नेमत बहुत बढ़िया, जब्त सहन करना, दामन पल्लू। देखिए पहला प्रश्न अभ्यास प्रश्न में ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। उत्तर में देखिए, ईद आने से गांव में हर तरफ उल्लास और चहल पहल दिखाई दे रहा है। लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी का कुर्ते में बटन लगाने के लिए पड़ोस के घर से सुई धागा मांगना, कड़े जूतों में तेल डालने के लिए तेली के घर जाना, बैलों को सानी पानी देना जैसे कामों में व्यस्त दिख रहे हैं। सबसे अधिक खुशी बच्चों के चेहरे पर झलक रही है। वे ईदगाह पर लगने वाले ईद के मेले में जाने के लिए उत्सुक है। वे मेले में मिठाई तथा
खिलौने खरीदने के लिए जमा किए पैसे गिन रहे हैं। इस प्रकार गांव में सभी ईद के आने की खुशी मना रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, उसके अंदर प्रकाश है, बार आशा, विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आशा का प्रकाश मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उत्तर में देखिए,